Students, today we will discuss the topic that is the type of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. Physical state means whether you are solute and solvent, these are solid, liquid or gases. Clear to all of you? So on that basis, basically जो आपके solutions हैं, ये three types के हैं. First, solid solutions. Second, liquid solutions. And third one is gaseous solutions. So just see out, solid solutions, these are the solutions which contain सॉलिड एज सॉल्वेंट, और यू कैन से जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, आपका सॉलिड होगा. ऐसे सभी सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस. एंड इफ द सॉल्वेंट इज लिक्विड, देन ऑल सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर सेड टू बी द लिक्विड सॉल्यूशंस. एंड इन द गैसियस सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट इज गैस. तो अगर आपका सॉल्वेंट है बेसिकली सॉलिड, इट इज सेट टू विद द सॉलिड सॉल्यूशंस. अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, इट इज सेट टू विद द लिक्विड सॉल्यूशंस. और अगर वो गैस है, दीज आर सेट टू विद द गैसेस सॉल्यूशंस. नाउ अब इसमें एक चीज बिल्कुल फिक्स होगी इन ऑल द केसेस. ए सॉल्वेंट आपका फिक्स है, ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट. इन सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज सॉलिड, इन लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज लिक्विड, वेयर एज इन द गैसेस सॉल्यूशन द सॉल्वेंट इज गैसेस. नाउ अब इनमें जो सॉल्यूट की स्टेट है, ऑन दैट बेसिस हम इनको अलग से अब तीन तीन टाइप में क्लासिफाई करेंगे. सो सॉलिड सॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप्स. इन द फर्स्ट टाइप जो आपका सॉल्यूट होगा, बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट. इन द सेकेंड केस आई विल से द सॉल्यूट इज लिक्विड, और इन द थर्ड केस आई विल से द सॉल्यूट इज गैस. सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन को फिर से आप तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट. तो फर्स्ट आपका जो सॉल्यूट है इट इज सॉलिड, सेकेंड जो आपका सॉल्यूट है इट इज लिक्विड, और बेटा थर्ड जो आपका सॉल्यूट है इट इज गैस. और गैसियस यू कैन ऑल्सो बोथ आर द सेम थिंग. सिमिलरली जो गैसियस सॉल्यूशन, दीज आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स. इन द फर्स्ट टाइप द सॉल्यूट इज सॉलिड, इन द सेकेंड द सॉल्यूट इज लिक्विड, वेयर एज इन द थर्ड द सॉल्यूट इज गैस. तो आपने देखा कि पहले क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सॉल्वेंट को फिक्स किया, और फिर बाद में सॉल्यूट के बेसिस पर इनको फर्दर हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया. तो टोटल आई विल गेट नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब बिफोर वी गो इन द डिटेल, एक बार इनके नेमिंग देखते हैं. तो ये अब आपका सॉल्यूशन नंबर वन टू थ्री, सॉलिड सॉल्यूशन थ्री टाइप्स, लिक्विड सॉल्यूशन दीज आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स वन टू थ्री, एंड गैसेस सॉल्यूशन दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स वन टू एंड थ्री. अब इनका नेमिंग देखिए, नेम कैसे करते हैं. तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, दिस इज सेट टू बी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. दिस इज सेट टू बी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस. बी क्लियर? सॉलिड सॉल्यूट पहले आएगा, सॉल्वेंट बाद में आएगा. अब यहां पर सॉल्यूट आपका लिक्विड है, तो लिक्विड इन सॉलिड. थर्ड इज गैस इन सॉलिड. सो दीज आर द नेम ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशंस ऑफ टाइप सॉलिड सॉल्यूशंस. अब यहां पर देखिए, इस फर्स्ट का क्या नाम होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. दिस इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस. दिस वन इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. Now come to this case, this is solid in gas solution, this is liquid in gas solution, and the third one is gas in gas solutions. So basically naming bhi clear ho gaya aur type bhi hamari clear hai, theek hai. अब हमें इनके एग्जाम्पल देखने हैं. तो एग्जाम्पल चलने से पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से देखते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका सॉलिड है, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, गैसेस सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट आपका गैस है. फर्दर अगेन थ्री थ्री टाइप्स में, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड. दिस इज सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड. दिस इज सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन गैस. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सी आउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो जस्ट सी आउट द एग्जाम्पल, वन बाई वन स्टडी करते हैं वॉट आर द एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स के लिए बेटा हम वन बाई वन टाइप ऑफ सोल्यूशन को स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हम डील करते हैं, फर्स्ट वी विल डील इन
solid solutions. As far as definition is concerned, the solution in which solvent is a solid. इसको फिर हमने three parts में divide किया था on the basis of physical state of solute. ठीक है, first is solid in solid solution, second is liquid in solid solution, और third आएगा बेटा आपका gas in solid solution. All of you know the meaning of this. Solid in liquid solution means जो आपका solute है वो solid है, यहाँ पे आपका liquid in solid में जो solute है वो liquid है, और बेटा gas in solid में जो solute है वो आपका gas. In all the cases, the solvent is a solid. Now just see the example. हमें example पे ज़्यादा focus करना है, because यहाँ से जो question आता है normally in the board as well as in the entrance, they will give you the type. You can say the type of solution कि ये example है, ठीक है ना, आपको type identify करना है या type आपसे देकर example पूछ सकते हैं. So पहले हम deal करते हैं solid in solid solutions में. तो solid in solid solutions में जो example basically करना है alloys. तो alloys क्या होते हैं, all of you know, alloy is the mixture of metal. जब आप एक दो या उससे ज़्यादा metal को mix करते हो तो वो जो mixture हमें मिलता है that is said to be the alloy. तो alloy are the example of solid in solid solutions. तो इसमें जो basically example है, just see out alloys में, जैसे आपने study किया होगा brass के बारे में, brass. तो brass में कौन से metal आपके mix होते हैं, copper plus zinc. Second is bronze. ब्रॉन्ज में क्या मिक्स होता है, ब्रॉन्ज इज बेसिकली मेड अप ऑफ कॉपर प्लस एसएन टिन प्लस लिटिल अमाउंट में यू कैन से इट मे बी एल्यूमिनियम, इट मे बी मैंगनीज, इट मे बी जिंक और इट मे बी निकल. क्लियर. एंड देयर इज अ थर्ड वन एग्जांपल, 22 कैरेट गोल्ड. नाउ इन द 22 कैरेट गोल्ड व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज 22 पार्ट्स गोल्ड प्लस, बी क्लियर, 22 कैरेट मीन्स 22 पार्ट गोल्ड प्लस 2 पार्ट्स आइदर कॉपर और जिंक. तो बी क्लियर, जो आपके एलॉयज हैं वो किसका एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. देखिए सभी में, यहां कॉपर जिंक, हियर कॉपर टिन विद लिटिल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एमएन एंड ऑल दिस, एंड 22 कैरेट गोल्ड 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो अब इनमें से ध्यान करना है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट, और बाकी सारे क्या होंगे आपके सॉल्यूट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. बी क्लियर, एलॉयज आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है. नाउ कम टू द सेकंड वंस, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस. तो यहां पर अगर आप एग्जांपल देखोगे लिक्विड इन सॉलिड में, फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रेटेड, और यू कैन से क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड और क्रिस्टलाइन सॉल्ट. सो जस्ट सी आउट द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल पे फोकस करें, यहाँ पे CuSO4.5H2, दीज टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, दीज आर सेट टू बी द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. तो यहाँ पर जो वाटर है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में है, और ये CuSO4 क्या है, सॉलिड में है. क्लियर. तो लिक्विड यहाँ पे कम है, तो लिक्विड इन सॉलिड. All hydrated salt, Na2CO3.10H2O, यहाँ पर भी आप देख सकते हो water liquid form में है, Na2CO3 solid form में. So इस type के जो आपके hydrated salt हैं, these are the example of liquid in solid solutions. अब इसी category में we are having one more example, that is amalgam of mercury विथ सोडियम. अब आपको पता है जो मरकरी है उसकी बेसिकली स्टेट क्या है, लिक्विड, और सोडियम की स्टेट क्या है, सॉलिड. सो दिस ऑल्सो कम इन द एग्जाम्पल लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशंस. बी क्लियर. तो वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशंस, फिर से देखिए, अमलगम ऑफ मरकरी प्लस सोडियम में सोडियम लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है और सोडियम आपका सॉलिड है. तो यहाँ पर बेसिकली फोकस क्या करना है आपको, कि ये लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है, क्योंकि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन में दो ही एग्जांपल आपको फोकस करना है, फर्स्ट वन इज योर हाइड्रेटेड और क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, सेकंड इज द अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम. नाउ थर्ड कम इन द गैस इन द सॉलिड. सो गैस इन सॉलिड्स में इफ आई डील विद द एग्जांपल, फर्स्ट इज डिसॉल्वड
गैसेस इन मिनरल्स। बेसिकली जो बेटा मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आपके सॉलिड होते हैं और उसमें जो गैसेस डिजॉल्व होती है उनकी स्टेट क्या है, गैसियस। सो इट इज अगेन कम्स आउट टू बी गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस। मिनरल में जो गैसेस डिजॉल्व होती है, वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल। अब इनमें से हाइड्रोजन गैस किसी में भी, इट में बी ऑन प्लेटिनम पैलेडियम और निकल। सो सिंस ये आपके सॉलिड हैं और ये आपका क्या है, गैसियस हो गया, तो ये भी किसका एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं, सॉलिड इन सॉलिड में क्या आएंगे, आपके एलॉयज आएंगे। लिक्विड इन सॉलिड में यू विल गेट द हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड यू कैन से अमलगम ऑफ मर्करी एंड सोडियम, वेर एज इन गैस इन सॉलिड यू विल हैव डिजॉल्व गैसेज इन मिनरल्स एंड हाइड्रोजन इन प्लेटिनम पैलेडियम और निकल। तो ये बेटा हमने फर्स्ट टाइप का कंप्लीट किया, सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। सो एज फार एज द नेम इज कंसर्न, लिक्विड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज लिक्विड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट फिजिकल स्टेट, इसको हम थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, सेकेंड इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, थर्ड इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। नाउ एज फॉर द नेम इंडिकेट, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मींस जो आपका सॉल्यूट है वो यहां पे सॉलिड है, यहां पे जो आपका सॉल्यूट है लिक्विड इन लिक्विड में सॉल्यूट आपका लिक्विड है, वेर एज इन केस ऑफ गैस इन सॉलिड जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, गैसियस सॉल्यूट, एंड इन ऑल दीज केसेस जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड। नाउ सी आउट द एग्जाम्पल वन बाई वन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, द एग्जाम्पल इज शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो वाटर लिक्विड है, शुगर आपका सॉलिड है, दिस कम्स आउट टू बी सॉलिड इन लिक्विड। नाउ कम टू द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, आई कैन टेक मिथेनॉल प्लस वाटर। अब बेटा वाटर भी लिक्विड, मिथेनॉल भी लिक्विड, आई कैन ऑल्सो टेक इथेनॉल प्लस वाटर, वाटर भी लिक्विड और इथेनॉल भी लिक्विड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। नाउ कम टू द थर्ड वन, गैस इन लिक्विड। तो यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, द फर्स्ट एग्जाम्पल इन गैस इन लिक्विड इज ऑक्सीजन गैस इन वाटर। तो यहां पर वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन आपका गैस है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन गैस इन वाटर, सेकेंड इज एरेटेड ड्रिंक्स। बेटा ये वो ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि CO2 गैस इन वाटर और एरेटेड ड्रिंक्स। तो एक बार फिर से देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में थ्री टाइप, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, सॉलिड इन लिक्विड में शुगर प्लस वाटर, लिक्विड इन लिक्विड में यू विल हैव टू एग्जाम्पल, मिथेनॉल प्लस वाटर एंड इथेनॉल प्लस वाटर, वेर एज गैस इन लिक्विड यू विल हैव ऑक्सीजन गैस इन वाटर एज वेल एज यू कैन से एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। सो CO2 गैस इन वाटर यू कैन ऑल्सो से इट लाइक दैट। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द गैसियस सॉल्यूशंस। नाउ गैसियस सॉल्यूशंस, दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज अ गैस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, हम इसको डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट सॉलिड इन गैस, सेकेंड लिक्विड इन गैस, वेयर इज द थर्ड वन इज गैस इन गैस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जस्ट सी आउट, सॉलिड इन गैस में जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है, लिक्विड इन गैस में जो बेटा सॉल्यूट है वो बेसिकली लिक्विड है, और गैस इन गैस में जो आपका सॉल्यूट है वो आपका गैस। इन ऑल द केसेस जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है। चलिए नाउ सी द एग्जांपल, फर्स्ट वी विल डील इन सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस में एग्जांपल अगर लिया जाए, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस है, द एग्जांपल कम्स आउट टू बी इन द कैटेगरी सॉलिड इन गैस। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन यूज डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, बी क्लियर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर। तो एयर गैस है,
और डस्ट के पार्टिकल भी सॉलिड होते हैं और स्मोक के पार्टिकल भी सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड इन गैस आपका एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियरली आएगा। थर्ड वी कैन से आयोडीन इन एयर। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एयर गैस है बेसिकली, ये आपका सॉलिड है, तो अगेन कम्स आउट टू बी इन द सेम कैटेगरी। नाउ द सेकेंड इज लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में फर्स्ट एग्जाम्पल इज मॉइस्चर। ऑल ऑफ यू नो मॉइस्चर में क्या होता है, जो आपके वाटर वेपर होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्चर मीन्स वाटर इन एयर। तो वाटर लिक्विड स्टेट में और एयर की स्टेट में होगी गैसियस में, तो मॉइस्चर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस हियर, क्लोरोफॉर्म। प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड, अगेन कम्स आउट टू बी लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस। नाउ कम आउट टू द लास्ट वन, गैस इन गैस में बेटा वी आर हैविंग द एग्जांपल एयर। एयर यू नो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दिस। सो दिस कम्स आउट टू बी गैस इन गैस सॉल्यूशंस। सो जस्ट सी आउट गैसेस सॉल्यूशन, अगेन थ्री टाइप्स, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। सो सॉलिड इन गैस वी आर हैविंग कैम्फर इन नाइट्रोजन, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर और आयोडीन इन एयर। इन लिक्विड इन गैस वी आर हैविंग मॉइस्चर और यू कैन से वन मोर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस, और गैस इन गैस में वी आर हैविंग द एयर एज एन एग्जांपल। चलिए नाउ वी विल डू सिंगल क्वेश्चन जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। जस्ट सी आउट, वी विल डू वन क्वेश्चन हियर। सो द क्वेश्चन इज identify the type of solution on the basis of physical state of solute and solvent, on that basis हमको identify करना। So चले कुछ solutions लिखते हैं। First copper plus zinc, one by one study करेंगे। तो कॉपर और जिंक दोनों की स्टेट क्या है? कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, सो दिस इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड इज इफ आई गिव यू Na2CO3 0.10H2O। तो यहां पे वाटर लिक्विड है और Na2CO3 सॉलिड है, एंड दीज आर जनरली सेट टू बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दीज आर सेट टू बी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड एग्जाम्पल और थर्ड क्वेश्चन वी कैन से मर्करी प्लस सोडियम। सोडियम सॉलिड, मर्करी लिक्विड, सो दिस कम्स आउट टू बी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल और फोर्थ पार्ट, हाइड्रोजन प्लस निकल। नाउ निकल इज अ सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस, सो आई कैन से गैस इन आई कैन से गैस इन सॉलिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द फिफ्थ पार्ट इज गैस प्लस मिनरल्स। नाउ बेटा मिनरल्स आर सॉलिड और ये गैस है, सो दिस अगेन कम्स आउट टू बी इन द कैटेगरी गैस इन सॉलिड। नाउ द सिक्स पार्ट दैट इज गिवन टू यू, सुक्रोस विच इज जनरली सेट टू बी केन शुगर प्लस वॉटर। तो यहां पर जो केन शुगर है बेटा वो सॉलिड और वॉटर लिक्विड, सो इट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ द सेवंथ पार्ट, इथेनॉल प्लस वॉटर। नाउ सी आउट, वाटर लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है, बोथ आर लिक्विड, सो वी कैन से लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एट्थ वन, CO2 प्लस वाटर। नाउ वाटर लिक्विड, CO2 गैस, सो आई विल से इट इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
Now the ninth part, smoke particles in air. So you know air is a gas and smoke particle are solid. So I will say solid in gas solution. Now, 10th one, chloroform, CHCl3. Chloroform in nitrogen. तो नाइट्रोजन गैस है बेटा, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है. सो आई विल से लिक्विड इन गैस. क्लियर. एंड द लास्ट इफ आई गिव यू ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन. सो यू नो दैट नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, बोथ आर गैसेस. सो इट इज गैस इन गैस सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट दिस इज वी हैव डिस्कस द टॉपिक दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया बेसिकली थ्री टाइप में, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. सो टोटल हमें 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिले और क्वेश्चन बेसिकली ऐसे आता है दैट डेली गिव यू द एग्जांपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इट. और सेकंडली ये भी आ सकता है कि भी इस टाइप के सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, गिव एग्जांपल. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज यू कैन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. दैट्स ऑल.